दोस्तों देश भर के मौसम के हालात देखिए आप। अभी मुंबई में 6 घंटे में 300 mm बारिश हुई, 27 फ्लाइट्स भी डाइवर्ट करनी पड़ी, 5 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, चारधाम यात्रा में भी 6000 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। अभी 11 राज्यों में तेज भयंकर बारिश हो रही है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग इलाकों की। ये मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन का पूरा ट्रैक ही पानी में डूब गया, इस कारण 1 घंटे तक ट्रेनों को कैंसिल किया गया। ये तस्वीरें ठाणे के पुलिस स्टेशन के पास की, यहाँ घुटनों तक पानी भरे होने के कारण स्कूली बच्चों को जाने में भी दिक्कत हो रही है। ये वजह है कि फिर स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित करनी पड़ी। और भी ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों भारी बारिश की। ये देखिए तेज बारिश के कारण रायगढ़ जिले की केलो नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। और अभी मानसूनी बुखार और डेंगू दोनों के मामले भी काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी चेतावनी दी गई है, आप सावधान रहें, मच्छरों से बचाव करें, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होते ही कई तरह की बीमारियां फैलने लग जाती हैं, तो इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया। और वहीं कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए दोस्तों। एमपी भोपाल में तेज बारिश हुई, शिवपुरी में गरु में पानी घुस गया, मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल निमाड़ में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, निवाड़ी छिंदवाड़ा में भी पानी गिरेगा। इधर राजस्थान में हनुमानगढ़ में बारिश से छत गिरी, 2 सगे भाइयों की जान चली गई, बनास नदी में उफान से जयपुर और सिवार मार्ग भी बंद पड़ा है। राजस्थान के 11 जिलों में अभी भी आज तेज बारिश का अलर्ट है। देखिए आज जयपुर जैसलमेर में भी बारिश देखी गई, 5 डिग्री तक गिरा तापमान। राजस्थान के टोटल 9 जिलों में आज बरसात का अलर्ट है, नदियां उफान पर आई, कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया। इधर बिहार के हालात देखिए, बगहा सुपौल में बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वे भी किया और हालातों का जायजा लिया। उफान पर चल रही गंडक और कोसी नदी भी, रोहतास में भी डरारा वाटरफॉल, आकाशीय बिजली गिरने से बिहार में 12 लोगों की जान चली गई पिछले 12 घंटों में। और छत्तीसगढ़ के देखिए 16 जिलों में हैवी रेन का येलो अलर्ट है, 1 जून से लेकर 7 जुलाई तक यहां 202 mm बारिश हुई, जो कि औसत से 25% कम रही है। पंजाब में दोस्तों बीते एक सप्ताह में 64% ज्यादा बारिश देखी गई, फिरोजपुर समेत 4 जिलों में सूखे के हालात हैं, हिमाचल से सटे इलाकों में बारिश भी होगी। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है, जुलाई में तो नॉर्मल से 66% ज्यादा बादल बरसे, 4 जिलों में मानसून अभी धीमा चल रहा है हिमाचल प्रदेश में। देश भर में मौसम का असर कुछ यूं देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 76 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं, सामान्य बारिश से 66% ज्यादा बारिश हुई, ये पहाड़ी राज्यों में तो बारिश वैसे कभी कभी ज्यादा ही होती है। और उत्तराखंड में भी देखिए दोस्तों गंगा नदी समेत 6 नदियां खतरे के निशान पर बह रही है। ऋषिकेश में 600 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में 4 दिन से जारी लगातार भारी बारिश के चलते गंगा नदी, इसके अलावा भी अलकनंदा, भागीरथी, शारदा, मंदाकिनी और कोसी नदी भी खतरे के निशान पर बह रही है। पश्चिम बंगाल में देखिए दोस्तों कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। जलपाईगुड़ी में 166 mm बारिश दर्ज हुई। और असम राज्य में तो बाढ़ के भयंकर हालात आपको पता ही होगा, पिछले 12 घंटों में 22 लाख लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, 8 लोगों की जान जा चुकी है। अभी तक इस साल असम की इस बाढ़, लैंडस्लाइड और तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर तकरीबन 78 हो गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी 128 जानवर अपनी जान गंवा चुके हैं, असम में इतने गंभीर हालात चल रहे हैं। और वहीं देखिए दोस्तों गोवा में सत्तारी वाटरफॉल पर फंसे 80 लोगों का रेस्क्यू किया गया और स्कूलों में छुट्टियों का भी ऐलान किया आज सोमवार को भारी बारिश के चलते, ठीक है। और आज कुल मिलाकर 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, उन सभी राज्यों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान वगैरह के कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। अब आगे कैसा मौसम रहेगा, कल 9 जुलाई को किन किन जिलों में बारिश होने की संभावना है, इसकी भी आप लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके राज्य में अभी बारिश के हालात कैसे चल रहे हैं, मतलब ठीक ठाक बारिश हो रही है या अच्छी खासी तेज हो रही है या बहुत कम बारिश हो रही है, कमेंट करके बताइए मुझे आपके राज्य और जिले का नाम, साथ में बारिश के हालात भी। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना इसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।